आदमी बाहर निकलता है ना, तो वो जिस चीज को पहले ले रहा होता है उसको पता होता है ये बंदर है, लेकिन उस बंदर का भाव बढ़ाता है, वो उस बंदर को ऐसी जगह पे ले जाता है जहां पर आपको ये बता सके कि इसके बालों से दवाई बनेगी, आप 200 रुपए में देना चाहते हो दे दो, और वो एक्चुअली उसकी आड़ में अपना माल बेचेगा आपको। और फिर जब स्मार्ट आदमी यहाँ से बाहर निकलता है तो उस गांव की तरह स्टॉक मार्केट में भी सारे बंदर ही बंदर होते हैं, सारे बंदर ही बंदर, जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आपके सामने एक्चुअली सारे बंदर हैं। अगर मुझे कुछ कहना हो तो आप हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हो। ऐसा लाइव सुन रही हूँ, समझ रही हूँ चीज़ें, मतलब बहुत बहुत बढ़िया, ऐसी चीज़, ऐसी फीलिंग, ऐसी नॉलेज कोई और दे ही नहीं सकता। दुनिया वही है, सब कुछ वही है, चश्मा बदल गया। तो ये दो दिन में कुछ डिफरेंस अपने आप में लग रहा है, अपनी सोच पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है, एक नया एक्सपीरियंस। इतनी बड़ी चीज कोई आसानी से शेयर नहीं करता, आपने किया है, थैंक यू। अगर आपने इसको मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल किया, 3 महीने प्रैक्टिस की आज से लेकर जिंदगी में, उसके बाद अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हो गया तो मैं अपना नाम बताऊंगा। आज मैं ये कह सकता हूँ, ये करने के बाद मैं, आपने सर वो पॉसिबिलिटी खोली है और मैं इस जन्म में तो जरूर पहुंचूंगा, बहुत 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 जरूर पहुंचूंगा। तो 20 साल की सर सोच बदली है कुछ आपकी? बिल्कुल बदली है सर, बिल्कुल बदली है। और पिछले 1.5 महीना से मैं आपका वीडियो सुन रहा था, 1.5 महीना से मेरा लॉस बंद हो गया, और वीडियो सुनते इस 2 दिन में मेरी बिल्कुल समझ चेंज हो गई, मैं अब विनर हूँ। आदमी कौन होता है जो जानता है कि चलना कैसे होता है, पहला कदम आगे बढ़ाना है, उसको अच्छे से टिकाना है, फिर पिछला उठाना है और फिर आगे टिकाना है, ये है रियलिस्टिक। जो आगे कदम टिका लेता है लेकिन पिछला उठा नहीं पाता है, इसका मतलब वो चल ही नहीं पाएगा कभी। अगर आप कुछ भी नया करते हो तो उसके सामने उसको छोड़ने की हिम्मत चाहिए। कुछ छोड़ना नए की शुरुआत करना है, आप एक कदम चलते हो तो एक कदम छोड़ते हो आप। अगर आप कुछ छोड़ नहीं सकते तो आप कुछ नया पा नहीं सकते। कुछ भी जिंदगी में कभी भी नया हुआ है पुराने को गिरा के ही हुआ है, पुराने की नींव पे कभी नई बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। पुराना जाएगा तो नया आएगा, अगर नया बनना है तो पहले पुराने को छोड़ने की हिम्मत करिए, आगे कदम बढ़ाइए और पिछला कदम उठाए बगैर आप आगे नहीं चल सकते, इसको ध्यान रखिए। और पिछला कदम उठाना, सावधानी पूर्वक उठाना और आगे रखना ही आगे सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। चलना इसी को कहते हैं और जिंदगी ऐसी चलती है। आपके चुनाव में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको उस चुनाव का, जब रास्ता पार करना हो आपको, तो आपको मोटिवेशन दे। आप एक चुनाव तो कर लेते हैं, आप एक चीज को सोच लेते हैं, लेकिन उस रास्ते में 100 तरह की मुसीबतें आएंगी, उस रास्ते के अंदर 100 तरह के हर्डल्स आएंगे, 100 तरह की दिक्कतें आएंगी, तो वो एक मोटिवेशन जो है आपका, एक जो गोल है आपका, एक जो टारगेट है आपका, एक जो पर्पस है आपका, अगर वो उस चुनाव में नहीं है तो आप रुक जाएंगे कहीं ना कहीं बीच में। अगर आपको लाइफ में सक्सेस मिलनी है, आपके यहां लिखा हुआ है, मान लेते हैं, वैसे किसी को पता नहीं है लिखा क्या होता है, लेकिन मान लेते हैं लिखा हुआ है, तो भी उसका एक कैलेंडर है।
अपने समय पे मिलेगा। भगवान ने हिंदुस्तान के अलावा बाकी दुनिया भी बनाई है, यहाँ पे मंगलवार और बुधवार तो छोड़ो, वहाँ वेजिटेरियन ही होता ही नहीं कुछ भी, वहाँ सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही होता है। तो वहाँ हनुमान जी कुछ नहीं कहते उनको, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर अगर आपने मंगलवार को अगर नॉनवेज खाया तो हनुमान जी आपके ऊपर खड़े डंडा लेके, चाइना में कोई सांप खा रहे तो उसको हनुमान जी कुछ नहीं कहते, ऐसी बात है। मैं क्यों जलूंगा सामने वाले किसी को देख के अगर मैंने वो किया होगा जो मैं चाहता था? बिल्कुल, अगर मैं सामने वाले से जल रहा हूं इसका साफ मतलब यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से तो कुछ किया ही नहीं कभी। मैंने हमेशा वो किया जो वो कर रहा था, हमेशा वो किया जो वो कर रहा था, हमेशा वो किया जो इसने कहा, हमेशा वो किया जो इसने कहा, सब कुछ दूसरों की तरफ से आ रहा है। मेरा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, मेरे अपने हाथ में नहीं है। वो जैसा चलाते हैं, जो सा चैनल खोलते हैं वही चैनल चलता है। वो मुझे चाहे तो गुस्सा दिला दें, वो मुझे चाहे तो हंसा दें, वो मुझे चाहे तो रुला दें, मैं अपने कंट्रोल में नहीं। जिसको हम गॉड, भगवान, जिसको भी आप बोलते हो, कर्म की सजा होगी अगर आपका कर्म सही नहीं है, लेकिन कब, ये डिसीजन नेचर करेगी। ये डिसीजन वो गॉड जिसको आप बोल रहे हो वो करेगा, ये डिसीजन उसका काम करेगा उस आदमी का। जितना वो बुरा बनता जाएगा, एक आदमी ने स्मगलिंग शुरू की थी, छोटी सी ड्रग का पैकेट रख के जेब में लिया था, निकल गया, किसी ने देखा नहीं, अगली बार उसने कहा बड़ा ले जाता हूँ, निकल गया। उसके बाद 8, 10, 15 बार उसकी हिम्मत इतनी खुल जाएगी, पूरा बैग लेके जाएगा, उस दिन पकड़ा जाएगा वो। हमारी नेचर का सिस्टम ऐसा है, जो आदमी भाग रहा है गलत करके उसे भागने दो, जाने दो जितनी दूर जाता है, सीधा गोली पीछे से मारी जाएगी। जो वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो चुका होगा कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब तो मेरे पास बहुत कुछ आ गया। आपके सामने 20 एग्जांपल है, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता हूँ, 20 एग्जांपल आपके सामने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ किया, उसके बाद वो ऐसी जगह जाकर पकड़े गए जब उन्होंने सोचा हमें कोई पकड़ नहीं सकता, कहीं तो बाबा है उसके अंदर, बहुत सारे अंदर बैठे हैं अभी यहाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बाबा अंदर बैठे हैं जो, उन्होंने भी जिंदगी में सोचा कि अरे हम तो बहुत बड़े हो गए, हमारे बहुत लिंक्स हैं, हमारे ये हैं वो है। एक ही दिन एक ही गोली लगती है पीछे से, सिर्फ वो गोली सब निकाल लेती है जितना लगा हुआ। चोरी करना सोचने की सजा नहीं मिलती, चोरी करने की सजा मिलती है। ऐसे ही आपको अच्छा काम सोचने के पैसे नहीं मिलेंगे, सोचने का कोई रिवॉर्ड नहीं है, करने का रिवॉर्ड है। अच्छे आदमी और बुरे आदमी का एक बेसिक डिफरेंस यह है कि बुरा आदमी करता है हमेशा, अच्छा आदमी सोचता है हमेशा।